कोविड महामारी से पिछले 5 महीने से पूरी दुनिया जूझ रही है और 3 महीने से हम भारत में 4 लॉकडाउन देख चुके हैं। इन लॉकडाउन के दौरान हमारा संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल 24 घंटे हर टाइम खुला है और मरीजों के सेवा में तत्पर है। इस विश्वास के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ढाई महीने में जो हमारा प्रैक्टिस है, जो हमारा मरीज को रिसीव करना हॉस्पिटल में है और उसके तरीकों में सारा बदलाव आ गया है। हमारी कोशिश ये है कि मरीज को बिल्डिंग के बाहर अच्छी तरह से स्क्रीन करें और उसका जो ट्रेवलिंग पैटर्न है वो देखा जाए, उसका बुखार देखा जाए, उसके सिम्टम देखा जाए, ताकि जो मरीज कोरोना से ग्रसित अस्पताल में आ रहे हैं उनका अलग से इलाज कर सकें और जो मरीज कोरोना ग्रसित नहीं है उनका इलाज अलग कर सकें। ये जो सेग्रीगेशन ऑफ पेशेंट है, ये बिल्डिंग के बाहर हमारा ये स्क्रीनिंग एरिया डेवलप हुआ है उसमें होता है। एमरजेंसी में भी यही प्रोटोकॉल है। हमारी एमरजेंसी में रोज़ 60 से 70 मरीज आ रहे हैं जिनको इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्क्रीन करके हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर लिया जाता है। पूरे अस्पताल में जो PPE किट्स हैं उसका पूरा प्रोटोकॉल जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है वो फॉलो होता है, ताकि स्टाफ से मरीज में और मरीज से स्टाफ में किसी तरह की बीमारी का आदान प्रदान ना हो सके। इसी दौरान हमने ये देखा है कि जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल हैं और डिसइंफेक्टेंट प्रोटोकॉल हैं वो पूरे अस्पताल में, हर लिफ्ट में, हर रेलिंग पे, हर बिल्डिंग में, हर कंसल्टेंट चैम्बर में और हर IPD वार्ड एंड ICUs में पूरे सिस्टम से फॉलो हों, जो कि मरीज की सेफ्टी के लिए अति आवश्यक है। ये राजस्थान के उन गिने चुने प्राइवेट अस्पतालों में से एक है जहाँ पे कोविड की त्वरित जांच की पूरी सुविधाएं मौजूद है। हम लोग इसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र और सबसे जल्दी देने में सक्षम है। बाहरी थर्मल स्कैनिंग से टेम्परेचर देखने का इंतजाम कर रखा है मरीज का और मरीज के साथ आने वालों का, और जो भी हमारा स्टाफ आता है उनकी भी स्कैनिंग होती है अंदर आने से पूर्व। जो अंदर आता है उसको किसी तरीके से कोई गेट का हाथ नहीं लगाना होता है। एक रोगी के साथ एक ही अटेंडेंट अलाउड है। रोगी के आते ही वाइटल्स देखे जाते हैं, कहाँ से आया है, क्या उसको समस्या है, उसके टेम्परेचर, पल्स, ऑक्सीजन सेचुरेशन, BP, रेस्पिरेटरी रेट और उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल जांचा जाता है, और फिर उसके हिसाब से मरीज को ट्रायज किया जाता है कि उसको हम किस एरिया में रखेंगे। हमने हमारे अस्पताल के अंदर एक संपूर्ण ब्लॉक इस महामारी से पीड़ित मरीजों को समर्पित किया हुआ है। इसके लिए इसकी अलग से एक एंट्री और एग्ज़िट है जो कि मुख्य भवन से बिल्कुल दूरी पर स्थित है। इसके लिए एक डेडिकेटेड लिफ्ट भी है जो इस तरह के मरीजों को लाने ले जाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, और उसके पश्चात उस लिफ्ट को सैनिटाइज़ किया जाता है। इस लिफ्ट को समय समय पर कुछ कुछ घंटों के अंतराल पर भी सैनिटाइज़ किया जाता है। इस भवन के कुछ भाग में वार्ड के मरीजों को भर्ती किया जाता है जो कि कोरोना संदिग्ध होते हैं। इसके लिए हमारा 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर अवेलेबल होते हैं पूर्ण PPE किट पहन करके उनकी सेवाओं के लिए। इस ब्लॉक के एक फ्लोर को पूर्णतया ICU बनाया गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस और क्रिटिकली इल मरीजों को भर्ती किया जाता है, और यहाँ पर उनको सारी मॉनिटरिंग और वेंटिलेटरी सुविधाएँ उपलब्ध है। इसके लिए भी पूर्णतया नर्सिंग स्टाफ और पूर्ण प्रशिक्षित रेजिडेंट डॉक्टर्स 24 घंटे सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं, PPE किट पहनकर खुद की सेफ्टी के लिए भी। इसके अलावा हमारे मरीज जब भर्ती किए जाते हैं तो उनका टेस्ट किया जाता है, कोरोना टेस्ट, और अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो उनको मुख्य ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है। पर अगर टेस्ट नेगेटिव आने के पश्चात भी हमें अगर मरीज़ हमारा संदिग्ध लगता है कोरोना के लिए, तो हम मरीज़ को वहीं निगरानी में आइसोलेशन ICU में रखते हैं, और उसका कई बार दूसरी बार भी टेस्ट कराया जाता है। वहाँ के मरीज़ों के लिए और वहाँ के मरीज़ों की सुविधाएं के लिए हमने एक डेडिकेटेड मोबाइल भी वहाँ पर रखा हुआ है व्हाट्सएप फैसिलिटी के साथ में, जो कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को ECG, एक्सरे, ABG आदि भेजने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और उनके द्वारा जो भी जानकारी प्रदान की जाती है उसको उन मरीजों के ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट हम करते हैं।
हमारे जनरल वार्ड्स में भी हमने स्पेस रखा है, मतलब एक बेड छोड़कर एक बेड पे हम पेशेंट लेते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हमारी नर्सेज को हमने हर प्रकार के पीपी प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे गाउन्स, मास्क, कैप्स, गॉगल्स, फेस शील्ड्स, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। पिछले 4 से 6 हफ्ते से हम जितने भी ज़रूरी ऑपरेशन हैं जहाँ पे पेशेंट वेट नहीं कर सकता या वेट करने से नुकसान हो सकता है, जैसे कैंसर ऑपरेशन हैं या दूसरे ज़रूरी ऑपरेशन हैं और पेशेंट्स को तकलीफ़ है, तो हम निरंतर वो सब ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास एम्फेसिस पेशेंट की सेफ्टी के ऊपर है और उसके लिए तमाम इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं ऑपरेशन थिएटर्स में, आईसीयू में, और हम पूरे सब पेशेंट्स को पूरा परफेक्टली टेस्ट करके फिर डिसाइड करके कि उनको कोविड नेगेटिव है तो उसके बाद उनका ऑपरेशन करते हैं। दुर्लभ जी अस्पताल की ओपीडी सेवाएं निरंतर चल रही है और इमरजेंसी 24/7 ओपन है। इसके बावजूद भी अगर आप में से कोई किसी भी कारणवश अगर हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध करा रखी है। आप अपने घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, दुर्लभ जी अस्पताल के डॉक्टर से SDMH एप्लीकेशन के ज़रिए। ये एक एप्लीकेशन है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को अपलोड करके आप डायरेक्टली डॉक्टर से वीडियो कॉल के ज़रिए बात कर सकते हैं। इस कोरोना महामारी में संतोखबा दुर्लभ जी आपके साथ है। इस वैश्विक महामारी के समय संतोखबा दुर्लभ जी आप सबके साथ है। इस वैश्विक कोरोना महामारी में दुर्लभ जी हॉस्पिटल आपके साथ में। संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल जनता की सेवा में इस महामारी के दौरान भी पूर्ण रूप से सक्षमता के साथ आपके साथ है और साथ रहेगा।